कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से खूब अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई आप कर रहे होंगे। आप लोगों के कुछ प्रश्न हैं जो एक साथ समाधान कर दिया जाए, पूरा नोट करके मैं लाया हूँ, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बीओ से संबंधित ये प्रश्न है। बीओ एग्ज़ाम के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, टू स्टेप की ये परीक्षा है। पहला स्टेप इसका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है और दूसरा स्टेप जो इसका है वो मेंस का एग्जामिनेशन है। दो स्टेप की ये परीक्षा कई मामलों में बहुत सरल है, नौकरी बड़ी अच्छी है। प्रीलिम्स आप पास करेंगे, मेंस आप देने को पाएंगे और यहीं से आपका मेरिट बन जाएगा, यहीं से आपका रिजल्ट बन जाएगा। इंटरव्यू इसमें नहीं है। डायरेक्ट आते हैं आपके प्रश्नों पर। कई लोगों ने तो छोटे छोटे प्रश्न भी पूछे हैं। प्रीलिम्स का एग्जाम कितने क्वेश्चंस आते हैं? क्वेश्चन 120 आते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं? मार्क्स 2.5 होता है। टोटल कितना होता है मल्टीप्लाई कर दीजिए, 300 मार्क्स। मेंस कितने मार्क्स के होते हैं? मेंस इसका 400 मार्क्स का होता है। मेंस के दो पेपर होते हैं, एक पेपर आपका जीएस का होता है। यहाँ भी जीएस है, यहाँ भी प्योर जीएस ही है, यहाँ भी जीएस है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यूज पूछे जाते हैं आपसे। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव है, यहाँ पे आपको लिखना होता है। दूसरा पेपर हिंदी और एसे का पूछा जाता है। 200 मार्क्स का ये पेपर होता है, 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। 400 मार्क्स के ये टोटल मेंस के एग्जाम में आपके दो पेपर होते हैं। एक प्रश्न आप लोगों का आया है कि ये जो जीएस का पेपर है, लास्ट ईयर का पेपर भी मैंने शेयर किया था, एक ग्रुप हमारा बना हुआ है जिसमें मैंने इसीलिए उसको बनाया ही था कि उसमें पेपर शेयर कर दें, आगे की जो चीज़ें होंगी उसमें शेयर किया था। टेलीग्राम ग्रुप है, चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है वो। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो जीएस का पेपर है वो तीन भागों में बटा होता है। पुराना पेपर मैंने आपको दिखाया भी था, उसको शेयर भी किया था, एक इस पर क्लास भी हमने एक वीडियो भी जारी किया था। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ये तीन सेक्शन में ये जीएस का पेपर बटा होता है। प्रीलिम्स का पेपर जब आप पास करते हैं तब आपको मिलना है। तो सबसे पहले एक लोगों ने हमसे प्रश्न किया है कि इसका कितना कट ऑफ जाता है। 60 से 65 क्वेश्चन के बीच में आप बिल्कुल लास्ट ईयर में श्योर हो गए थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि 58 मार्क्स भी क्वेश्चन भी गया है, कुछ लोग कह रहे हैं 56 भी गया है, अभी मार्क्स नहीं आया है। तो इतना कट ऑफ इसका लास्ट ईयर गया था 60 के आसपास, इसको 62 कर दीजिए, 65 मत करिए, इसके आसपास था। बाकी कैटेगरी वाइज इधर उधर जाता है। ये क्वेश्चंस हैं, ये ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है। एक लोगों ने पूछा है निगेटिव मार्किंग होती है, तो निगेटिव मार्किंग इसमें होती है। निगेटिव मार्किंग एक लोगों ने पूछा है कि कितनी होती है, तो निगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। 1/3 का मतलब हो जाएगा 2.5 का 3, तो 0.84 समथिंग ये आ जाएगा। ये इसका एक बेसिक जो आपका वो था। जब आप ये पास कर जाएंगे तब आप यहाँ पर मेंस में जाएंगे। सवाल के हिसाब से भी मैं चलूँगा, जहाँ से आपके प्रश्न उठते हैं उन्हीं प्रश्नों को समाधान करने के लिए, क्योंकि ये सेशन है तो मैं बताना चाहता हूँ। एक प्रश्न है कि प्री और मेंस साथ साथ कैसे तैयार करें। अब हम इस प्रश्न पे आते हैं। मैंने आपको बताया कि प्रीलिम्स में भी जीएस और मेंस में भी जीएस। प्रीलिम्स का जो जीएस है ऑब्जेक्टिव, मेंस का जीएस सब्जेक्टिव। कैसे तैयार करें? प्रीलिम्स जब आप पढ़ रहे हैं साथ साथ में मेंस की तैयारी कर सकते हैं। सेक्शन ए, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सेक्शन ए से 10 क्वेश्चन, सेक्शन बी से 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और सेक्शन सी में भी आप जाएंगे तो आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल ये आपके 40 क्वेश्चंस हो गए। टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो 40 हैं। मार्किंग की बात की जाए तो ये 10 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के होंगे, 100 मार्क्स का ये आपका हो जाएगा। ये 10 क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स के होंगे, तो 6 × 10 60 मार्क्स का ये हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, 2 × 20, तो ये 400 मार्क्स आपके पूरे हो गए। ये जो 10 क्वेश्चन है ये लॉन्ग कह सकते हैं आप, या आप इसको कह सकते हैं कि नॉर्मल। इनको जो इन्होंने कहा है ये लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है ना, ये सामान्य उत्तरीय है। इसको सामान्य इन्होंने कहा है, इसको लघु उत्तरीय कहा है, इसको अति लघु उत्तरीय, यानी कि ये
नॉर्मल, ये सॉल्ट और ये वेरी सॉल्ट। यहाँ पर वर्ड लिमिट इन्होंने दिया था 125 वर्ड, यहाँ पे वर्ड लिमिट इन्होंने दिया था 50 वर्ड, और यहाँ पे वर्ड लिमिट इन्होंने दिया था 25 वर्ड। जब आप जीएस पढ़ रहे हैं, ये दो पोर्शन जो आपका सेक्शन बी है और सी, इसको तो जीएस जब प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं उसी में बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। आपका प्रश्न यही है कि प्री और मेन साथ साथ कैसे तैयार करें, तो जीएस वाला ये पोर्शन आप बिल्कुल तैयार करें। उदाहरण देके मैं समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए कि आपने, अभी मैंने एक डेमो क्लास डाली थी, उसमें मैंने सल्तनत काल के कुछ प्रशासनिक, स्थापत्य और साहित्य के बारे में बताया था। आपसे प्रारंभिक परीक्षा में मान लीजिए कि उसके स्थापत्य पे प्रश्न पूछा जाएगा, या प्रशासनिक व्यवस्था पर पूछा जाएगा, या साहित्य पर पूछा जाएगा, तो क्या पूछा जाएगा वहां पे दे देगा, जैसे दीवाने आरिज क्या है, ठीक है, दीवाने इंसा क्या है, दीवाने रसालत क्या है, दीवाने सुदूर क्या है, और सुबेलित करने में आपसे पूछ लेगा। तो आप कहेंगे कि जो दीवाने आरिज था वो सेना से संबंधित विभाग था, भर्ती देखता था, फौजों की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उनका निरीक्षण करता था, हुलिया देखने का काम यही करता था, चाहे वो सैनिक की हुलिया हो चाहे घोड़े की हुलिया हो, और आपने दीवाने आरिज पढ़ लिया, ये प्रीलिम्स आपका तैयार हो गया। पूछा गया दीवाने आरिज का संबंध किससे था, या मैच करने में पूछा गया, तो आपने कहा कि दीवाने आरिज सेना से संबंधित था। अब वही दीवाने आरिज आके 20 क्वेश्चन जो आपसे ये पूछे जा रहे हैं उनमें से एक क्वेश्चन उन्होंने दे दिया कि दीवान ए आरिज, वह इतना ही लिख देते हैं, और इसमें 25 शब्दों में आपसे लिखने को कह दिया गया। प्रीलिम्स में अगर आपने पढ़ रखा है तो मेंस में भी आप इसको लिख सकते हैं कि सल्तनत काल के अंतर्गत सेना में भर्ती, चाहे वो सैनिकों की हो चाहे घोड़े की हो, ब्रैकेट में आप लिख दीजिए सैनिक और घोड़े दोनों, उनकी हुलिया देखने, फौजों का निरीक्षण करने का कार्य जो अधिकारी करता था उसको दीवाने आरिज कहा जाता था। प्रीलिम्स में कई पार्टों में तोड़ के वही प्रश्न पूछा जाएगा, और मेंस में वही क्या किया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा लिखने के लिए। 25 शब्दों में तैयार हो गया। आपने दूसरा कुछ तैयार किया, दीवाने रसालत, प्रीलिम्स में आपने पढ़ लिया कि विदेशी मामलों का जितना भी पत्र व्यवहार, विदेशी पत्र व्यवहार होते थे, राजाओं के संबंध थे तो पत्र व्यवहार होते थे, उन्हीं के टेलीफोन तो तब हुआ नहीं करता था, तो उन्हीं पत्र व्यवहारों का जो देख रेख करता था वो आपका दीवाने रसालत कहलाता था। यही चीज आपसे मेंस में पूछा गया तो आपने लिख दिया 25 शब्दों में। लेकिन अब कुछ लोग कहेंगे कि 50 शब्दों में अगर पूछा गया तो 50 शब्द का प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि सल्तनत काल के स्थापत्य के बारे में बताइए, तो जो विशेषताएं हैं 5-10 आप जो प्रीलिम्स में पढ़ रहे हैं उनको तैयार रखिए। सल्तनत काल की साहित्य पर प्रकाश डालिए, आप उसको तैयार रखिए, कुछ उदाहरण आप उसमें से दे दीजिए। तो प्रीलिम्स में जो पढ़ रहे हैं साथ साथ में मेंस में लेके आप थोड़ा बहुत लिखने के साथ साथ, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर बनाने के साथ साथ, अगर आप ऐसे इसको लेके चलते रहेंगे तो आप इसके साथ साथ मेंस भी तैयार करते रहेंगे। प्रीलिम्स फैक्ट कॉन्सेप्ट का फुटकर ज्ञान आपसे अलग अलग क्वेश्चन में पार्ट पार्ट करके पूछता है, और मेंस में वही इकट्ठा कर दिया जाता है तो वो आपका हो जाता है, ठीक है ना। जैसे हमारी जो क्लासेस चल रही हैं उसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों का जीएस आपका तैयार होता रहेगा। बीओ का जो हमारा बैच चल रहा है, अगर आप उसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, उस पर आप ज्वाइन बीओ मंजिल, मंजिल करके वो कार्यक्रम चल रहा है, बीओ मंजिल या मंजिल बीओ, तो आप उस पर जानकारी ले सकते हैं। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों के साथ साथ में जीएस से आप परिचित होते चले और तैयार करते चले। अगला प्रश्न है कि कितना पढ़ के तैयारी अच्छे से हो सकती है। ये इसलिए प्रश्न आ रहा है क्योंकि ये बीओ की जो तैयारी करने वाले लोग हैं, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ज्यादातर जो लोग हैं वो इसमें नौकरी कर रहे हैं, और वो नौकरी भी कैसी है, वो टीचर्स हैं, क्योंकि बीएड थे और उनका टीचिंग में हो गया। अब टीचिंग में हो गया तो वो टीचर भी हैं और बनना चाहते हैं अधिकारी, क्योंकि वो अधिकारियों को देखते रहते हैं, बीओ साहब साहिबा उनके यहाँ चेक करने आती हैं, तो उनको भी लगता है कि हम भी बीओ बन जाएं, और आप बन सकते हैं, बिल्कुल बढ़िया है, आसान है, मेहनत करना है, थोड़ा सा डेडिकेटेड वर्क करना है, आप बन सकते हैं। तो कितना पढ़ के तैयारी हो जाए, ये बहुत लोगों ने मुझसे प्रश्न पूछा है, कितना पढ़ना पड़ेगा, कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा, ऐसा पूछते हैं। तो घंटा नहीं पढ़ना पड़ेगा, जैसे कहते नहीं घंटा पढ़ोगे, घंटा नहीं पढ़ना है, यहाँ पे आपको पढ़ना है, तो कितने, सही शब्द होता है कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा, कितने घंटे आप पढ़ेंगे,
घंटे की जहां तक बात होती है, जब ये लोग पूछते हैं तो पूछने का मतलब तात्पर्य यह होता है कि कितना समय देना होगा, कितना समय देके इसको तैयार किया जा सकता है। अभी से अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो सबसे पहले आप वैकेंसी का इंतजार ना करें, अभी से तैयारी शुरू करें और प्लिम्स को पास करने के लिए और साथ साथ में मेंस के जीएस जैसे मैंने बताया उस तरीके के वर्क करने के लिए आपको 5 से 6 घंटे निकालने पड़ेंगे। हो सकता है कोई ये काम 4 घंटे में भी कर ले और किसी को 6 घंटे भी कम पड़ जाए, किसी के लिए 4 घंटे ज़्यादा हो और किसी के लिए 6 घंटे भी कम पड़ जाए, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपके पढ़ने का तरीका, आपके किसी चीज़ को सीखने का तरीका और क्षमता आपकी कैसी है, सबकी अलग अलग होती है। एक लोगों ने तो ये भी पूछा है कि सर रात में पढ़ें कि दिन में पढ़ें। आपको मैं बताऊं, रात आपकी और दिन आपका, इसमें मैं क्या बता सकता हूं, रात अपनी बात अपनी, दिन अपना तो सब कुछ अपना, ठीक है, आपका दिन है आपकी रात है, आप दिन में सोए रात में पढ़े या रात में सोए दिन में पढ़े इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस पढ़े। 5 से 6 घंटे का टाइम टेबल कैसा बनाएं, इसमें मैं थोड़ा सा सलाह दूंगा कि एक साथ 5 से 6 घंटे का टाइम टेबल ना बनाएं, 2 से 3 घंटे आप एक शिफ्ट में रखें और 2 से 3 घंटे एक शिफ्ट में। अब कुछ लोग कहेंगे कि मुझे स्कूल तो सुबह ही जाना पड़ता है तो मेरी सारी शिफ्ट नीचे शाम वाले मीटिंग में पहुंच गई, सुबह हमारे पास कोई टाइम नहीं है, तो उनके लिए तो ये बेकार हो जाएगा। उनके लिए भी है शाम को, जैसे जो सुबह ही स्कूल चले जाते हैं और रात में लेट में सोते हैं, उठ नहीं पाते हैं, सुबह उठे तैयार हुए नहाए धोए चले गए स्कूल, तो उनके लिए यह है कि शाम को जब आए तो अपना थोड़ी देर आराम करके 4 बजे से 6 बजे तक की एक शिफ्ट लगा दें, 4 से 6 एक शिफ्ट लगाया उन्होंने, 2 घंटे 5 मिनट 7 मिनट का बीच में ब्रेक भी ले लिया तो 2 घंटे की एक ये शिफ्ट हो गई। उसके बाद में थोड़ा सा ब्रेक लिया, खाना वाना खाया 7-7:30 तक जो भी अपना किया, और फिर थोड़ा टाइम तो मैनेज आपको करना पड़ेगा 7 से 9, अगर खाने का टाइम आपका इसके बीच आ रहा है तो थोड़ा बहुत इधर उधर कर दें, 7 से 9 का एक शिफ्ट आपने मार दिया, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा आप, अगर आप सुबह नहीं पढ़ रहे हैं तो रात में 12 तक भी पढ़ सकते हैं, 10 से 12 के बीच में आपने एक निकाल लिया तो ये 5-6 घंटे आपके निकल आए। जो लोग सुबह उठने के आदतधारी हैं, जो कहते हैं मुर्गा और हम, मुर्गा बोलता है और हम उठते हैं, कौन पहले बोलता है कौन पहले उठता है ये अंतर आज तक कोई नहीं कर पाया, यानी हम मुर्गे के साथ ही जगते हैं सुबह सुबह, ब्रह्म मुहूर्त वाले, तो ब्रह्म मुहूर्त वाले अगर ऐसा कर सकते हैं तो 2-3 घंटे का, अगर वो 4 बजे उठ जाते हैं तो 4 बजे तो किसी को किसी नौकरी या स्कूल नहीं जाना होता है, तो 4 से 7 के बीच में वो 2 घंटे निकाल लें, इतना पढ़ के आपका सिलेक्शन ये हो सकता है, जीएस साथ साथ में पढ़ते चले। एक लोगों ने पूछा है कि सर ये मैं सब कुछ तो कर लेता हूँ लेकिन ये मैं एस्से नहीं लिख पाता, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि मैं एस्से नहीं लिख पाता, लिखने में मुझे दिक्कत होती है, जीएस तो थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ लेकिन इस एस्से में हाथ पांव फूल जाते हैं। एस्से लिखने की कला होती है, एस्से राइटिंग जो है उसको सीखना पड़ता है। कैसे सीखेंगे, आप उसको सोचना शुरू करिए टॉपिक पे, जितना नॉलेज है जितनी भी चीज़ें हैं उनको गैदरिंग उनकी करिए, बीच में टॉपिक रखिए। ऐसे कि कई क्लासेस मैंने YouTube पे डाली हैं, बेसिक पूरा YouTube पे पढ़ा हुआ है, आप पढ़ लीजिए, उसका भी हमारा एक बैच चल रहा है, आप चाहें तो उसको ज्वाइन करें, नहीं तो प्रोसेस ये है कि बीच में आप टॉपिक रखें, अपने आप करें, जितनी भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन है इनको पहले गैदर करना सीखें, इनको इकट्ठा करना सीखें, जितना आपने प्रिलिम्स में पढ़ा है, मेंस के लिए पढ़ा है, जितना रोज अपडेट होता है इसको गैदरिंग करके आप इकट्ठा करें, और फिर जो हमने गाइड किया है कि कैसे व्यवस्थित तरीके से, फिर आप स्ट्रक्चर बनाएं, स्ट्रक्चर बनाएं और उसमें सबसे पहले स्टार्ट यानी कि भूमिका, स्टार्टिंग की बात करें, भूमिका के बाद में आप बॉडी पैराग्राफ पे आएं और बॉडी पैराग्राफ के बाद में आप कंक्लूड करें। अब इसमें कैसे करना है ये मैंने वीडियोस में बताया, आप उसको देख लीजिए, यूट्यूब पे निबंध की प्लेलिस्ट है, निबंध की प्लेलिस्ट में आप उसको देख सकते हैं। अगर आप इसमें हमारी हेल्प चाहते हैं तो ले सकते हैं, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने मैसेज जो व्हाट्सएप नंबर है वो दे रखा है, आप उसको चाहे तो हमसे जुड़ के भी तैयारी कर सकते हैं, नहीं तो आप लिखना चालू करें, जो भी सोच सकते हैं जितनी इंफॉर्मेशन है आपके दिमाग में उसको लिखने की कोशिश आप प्रारंभ कर दें। एक लोगों ने तो यही सीधे पूछ लिया है, एग्जाम पास कैसे होता है एग्जाम पास कैसे होता है, सीधा यही पूछ लिया और कोई प्रश्न नहीं है। एग्जाम पास कैसे होता है, अगर आप छोटे बच्चे से भी पूछेंगे तो एक लाइन में वो कहेगा कि एग्जाम जो है वो पढ़ने से पास होता है, बात भी बिल्कुल सही है, एग्जाम पढ़ने से पास भी हो जाता है,
पास होता भी आया है, तभी आप आज बड़े हुए हैं, बीएड किया है आपने, कोई तैयारी कर रहे हैं उसमें बीयू की भी तैयारी कर रहे हैं, आप सेलेक्ट भी हैं बहुत सारे लोग। ये बहुत छोटा प्रश्न है लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाता है, एग्जाम पास कैसे होता है, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब प्रश्न आता है कि क्या केवल पढ़ने से पास होगा, क्योंकि अगर केवल पढ़ने से होता तो बहुत सारे लोग पढ़ते रहते हैं। ये ऐसे ही प्रश्न है, व्हाट्सएप पर हमसे किसी ने पूछा एग्जाम पास कैसे होता है, तो केवल पढ़ने से तो पास नहीं होता है, पढ़ने के साथ साथ में रणनीति भी होनी चाहिए, पढ़ क्या रहे हैं तो अच्छा कंटेंट भी आपका होना चाहिए, अच्छी बुक्स होनी चाहिए, कंटेंट में बुक्स आप ले सकते हैं, कंटेंट में आप नोट्स ले सकते हैं, सब कुछ नहीं, कोई एक ही फॉलो करना है, सब कुछ फॉलो करेंगे तब तो सालों आप सिलेबस नहीं खत्म कर पाएंगे, ठीक है ना। और इसके बाद में बात, अब सामग्री आपके पास हो गई तब आप आ जाइए हार्ड वर्क, और इस हार्ड वर्क का मतलब ये मत समझिएगा कि बिल्कुल पसीना निकलने लगे वो वाला वर्क, हार्ड वर्क का मतलब हमेशा खून पसीना वाला ही नहीं होता है, हार्ड वर्क का मतलब होता है कि जितनी देर पढ़ना, पढ़ाई के मामले में इसको आप कह दीजिए कंसंट्रेट होके, यानी कि कंसंट्रेशन की बात होती है, और दूसरी बात होती है ईमानदारी की। ईमानदारी की बात इसलिए आ जाती है कि आप जब पढ़ रहे हैं तो केवल पढ़ रहे हैं, व्हाट्सएप का मैसेज आया तो उठा के हाँ बाबू खाया कि नहीं खाया, है ना, हाँ यार पढ़ रहे थे दिमाग खराब हो गया, चलो आओ मिलो बत्रा पे, फुहारा पे मिलो, कटरा मिलो लक्ष्मी पे, है ना, लखनऊ के लोग हैं तो वो अपने अड्डे पे मिलेंगे, ठीक है ना, मिलो चलो चाय पीते हैं, ये वाला नहीं, ईमानदारी होनी चाहिए। हार्डवर्क यहाँ पे आपको कुदाल फावड़ा नहीं चलाना है, लेकिन जितनी देर पढ़ना है तो पढ़ना है, टारगेट किया है कि आज हिस्ट्री का फला चैप्टर पढ़ डालना है तो पढ़ डालना है, रणनीति में है आपके तो उसको कंप्लीट करना है, सप्ताह भर की 7 days का टारगेट आप रखिए, इसको और तोड़ लीजिए 3 days का टारगेट आप रखिए, डे बाई डे का टारगेट बनाइए, डे बाई डे के टारगेट में क्या होता है कि आज इतना पढ़ना है तो उसको पढ़ना ही है, जब तक वो नहीं पढ़ जाएगा तब तक नहीं सोएंगे, लेकिन सोना भी जरूरी है, बाई दी भी किसी कारणवश छूट गया तो उसको अगले दिन कंप्लीट कर लेना है, एग्जाम ऐसे पास होता है, केवल पढ़ने से पास नहीं होता, अच्छी रणनीति भी चाहिए, अच्छा कंटेंट भी चाहिए, और कंसंट्रेशन के साथ, ईमानदारी के साथ, डेडिकेशन के साथ, आप इसमें डेडिकेशन भी जोड़ लीजिए ऐड कर लीजिए, तो डेडिकेशन भी होना चाहिए कि हमको बनना है तो बनना है, एट एनी रेट किसी भी कंडीशन में हमको कर दिखाना है, थोड़ा भी समय मिला तो यूटिलाइज करना है उसको, पढ़ रहे तो लिखना भी है साथ में, क्योंकि मेंस भी आगे है, इससे भी ध्यान देते रहना है, भटकाव नहीं होना चाहिए, फोन आया उठ गए, फोन आया आधे घंटे बतिया रहे हैं, घर की समस्याओं से पूर्ण रूप से ग्रसित हैं, दूसरों की बातों से, दूसरों की कहानियां सुन रहे हैं, कोई कल अभी किसी का ब्रेकअप हुआ है और वो आपको कहानी सुना रहा है, आप घंटों सुन रहे हैं, फिर बड़े अच्छे मित्र हैं आप उसके रूम पे भी पहुंच जा रहे हैं और बैठ के बढ़िया सा दाल बाटी बन रहा है, चाय पी रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं, उसको सांत्वना दे रहे हैं, आपका टाइम निकल रहा है, एग्जाम पास फिर नहीं होगा। इतना करने के बाद एग्जाम पास करने के बारे में सोच सकते हैं, प्रैक्टिस इन सब को जब आप कर लीजिए तब आप टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, गलतियां अपनी टेस्ट देने के बाद में जो कमियां हैं कमियों को दूर कीजिए, कमियों को हटाइए, एग्जामिनेशन हाल में आपको फ्रेश, एग्जाम हाल में आपको क्या लेके जाना है, फ्रेश दिमाग लेके जाना है, फ्रेश कंटेंट लेके जाना है, फ्रेश मटेरियल अपने दिमाग में जो आपने पढ़ा है उसको लेके जाना है, जिससे कि क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना हो, गलत ना हो, ऐसे एग्जाम पास होता है। सबसे छोटा प्रश्न था जिसको आप कह सकते थे पढ़ोगे पास हो जाएगा, और उसका सबसे बड़ा उत्तर यही है। एक लोगों ने कहा है कि सर हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन टेस्ट देने से डर लगता है, तो यहाँ पे जरूरी है एग्जाम पास होने में ये टेस्ट बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये आपकी जो आपने सीखा उसको टेस्ट करता है कि आपने कुछ सीखा है कि नहीं, पढ़ तो बहुत लिया नहीं सीख पाए तो उसका क्या मतलब रहेगा, है ना। बीओ के फॉर्म भरने से कुछ नहीं होगा, बीओ का कोर्स ले लेने से भी कुछ नहीं होगा, कोर्स को इस तरीके से आप जब यूज करेंगे, अपने आप जब पढ़ेंगे, जैसे भी आप करेंगे,
ऐसा नहीं है कि जो कहीं कोर्स नहीं ज्वाइन करेंगे उनका सिलेक्शन नहीं होगा, वो ये सब काम कर ले जाए। कोर्स क्या होता है बेसिकली? कोर्स होता है कि इन्हीं चीजों को, जैसे आपको पढ़ने के लिए रणनीति की जरूरत है, ये हमने बता दी। आपको अच्छा कंटेंट चाहिए, हमने इसको दे दिया, क्योंकि मोटी मोटी बुक्स में आपको छांटने में दिक्कत हो रही है। हार्डवर्क, डेडिकेशन, ईमानदारी, ये सब आप ही को करना है, लेकिन हमने थोड़ा थोड़ा मोटिवेट किया, लगातार आपके संपर्क में रहे, ग्रुप है, लोग कर रहे हैं, तो आप भी साथ में कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? और टेस्ट फिर हो गया आपका, टेस्ट भी हमने कंडक्ट करा दिया, उनकी कमियों को दूर कर दिया, तो आप जब एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे तो आप अच्छा परफॉर्म करके आए। ये होता है मतलब। अगर ये किसी बैच से आपका नहीं पूरा हो रहा है तो वो कोर्स, वो बैच, वो कोचिंग किसी काम की नहीं है, वो चाहे हमारे द्वारा दी जा रही हो, चाहे किसी के द्वारा, मैं चैलेंज करता हूं। और अगर ये सब पूरा हो रहा है तो आप एग्जाम पास करने के करीब जा रहे हैं, है ना, पास कर जाएंगे, अगले स्टेप पे जाएंगे, उसको भी पास कर जाएंगे। तो ये सारे आपके प्रश्न थे। एक प्रश्न और है कि ये हिंदी, जैसे जीएस तो पढ़ लेंगे, एक लड़के ने मुझसे व्हाट्सएप पे पूछा, तो मैंने कहा कि आप अभी जीएस कवर कर लीजिए। तब इन्होंने पूछा कि जीएस तो हम कवर कर लेंगे, हिंदी और एसए का क्या होगा? एसए आप साथ साथ लेके चलिए। और हिंदी की जहां तक बात है, 100 मार्क्स की जो हिंदी है, इसका सिलेबस तो लंबा है, ये 100 मार्क्स की है आपकी हिंदी, तो हिंदी का सिलेबस तो आपका लंबा है, बड़ा है, लेकिन इसको हम कवर कर लेंगे। जो लोग हमसे जुड़े हैं, जो लोग आगे जुड़ेंगे, उन लोगों को मैं बिल्कुल ये विश्वास दिलाता हूं कि हिंदी हम लोग कवर कर लेंगे, बहुत आसानी से इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। जितने टॉपिक दिए सारे नहीं पूछे जाते, लेकिन कोई भी पूछा जा सकता है तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। जैसे आर्ट एंड कल्चर से लास्ट ईयर एक सवाल आया, अब एक सवाल आया, लेकिन आर्ट एंड कल्चर इतनी मोटी बुक तो हम नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो जैसे हिस्ट्री से, पूरी हिस्ट्री से 6-7 सवाल आए, अब लेकिन हिस्ट्री छोड़ भी हम नहीं सकते। बात समझ में आ रही है? एनवायरमेंट से 3 सवाल शायद आए थे, 3 सवाल आए थे, तो एनवायरमेंट अब कितना पढ़ डालें ये हम डिसाइड करेंगे। अगर अच्छे से डिसाइड कर ले गए तो हम ये एग्जाम को पास करने के करीब पहुंचेंगे। मेहनत सब आपको करनी होती है, तो अगर आप चाहते हैं कि इसको अच्छे से तैयार करें तो हमारे साथ आप जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। मंजिल वियो लिख के आप मैसेज करिए 6307-281212 पर, ये हमारा नंबर है, आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। आप कहीं से भी जुड़िए, किसी के साथ भी, लेकिन ये देख लीजिए कि कंटेंट वो दे रहे हैं, वो हार्डवर्क आपसे करवा रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जिससे आप वर्क करते रहे, टेस्ट आपके ले रहे हैं क्या? अब हम जैसे मान लीजिए कि एक यूनिट हमारी कंप्लीट हो रही है और हिस्ट्री हमारी एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट हुई, तो हमने क्या किया, उसी समय आपका टेस्ट ले लिया, बाद के लिए नहीं रखा। तो आपने देख लिया कि एंशियंट हिस्ट्री में जो हमने पढ़ा है उसमें कैसे हमको तैयार करना है, तो इसका टेस्ट हो गया। आगे की यूनिट कंप्लीट हुई, मान लो पॉलिटी की या मेडिवल हिस्ट्री की, जैसे भी जो पूरा हुआ उसका हमने टेस्ट कर लिया। तो अगर ये सारी चीज़ें आपकी पूरी हो रही हैं तो आप एग्जाम पास करने जा रहे हैं, अगर नहीं हो रही हैं तो आप सोचिए उस पर बार बार, अपने आप करिए, चिंतन करिए, चिंता नहीं करिए, चिंतन करिए, मनन करिए, कैसे होगा। सामग्री अच्छी चुनिए, ग्रुप अच्छा बनाइए जिसके साथ आप मिलकर तैयारी करिए, ठीक है। तो और कई बार ऐसा होता है, हम लोग बहुत टाइम बर्बाद करते हैं छोटी सी चीज को पढ़ने के लिए, हम लंबे लंबे वीडियोस देखते हैं, सीखना 10 फैक्ट है, 2 घंटे बर्बाद कर दिए। नहीं, जो काम 40-45-50 मिनट में हो सकता है वो हमको नहीं करना है। आजकल एक मतलब ट्रेंड चला है कि बस उसको हाईलाइट करके दिखाना है, बहुत सारी चीजें ये हो रहा है, बिल्कुल वो चल रहा है, भीड़ में आप शामिल हैं, उससे बचिए। कम समय, स्मार्ट स्टडी अगर आप नहीं है, स्मार्ट स्टडी नहीं कर रहे हैं तो रिजल्ट भी स्मार्ट नहीं आएगा। बड़ा मेहनत, बहुत स्ट्रेटजी के साथ सब लोग काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत के साथ लोग काम कर रहे हैं, तो वो आपसे लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जो बच्चे रात दिन पढ़ रहे हैं वो आपको पीछे ढकेल देंगे अगर आप उनके साथ या उनसे आगे नहीं निकल पाए। 7 तक में तो आप साथ ही रहेंगे, जब उनसे आगे निकलेंगे तब वो पीछे होंगे ना, तो उनको साथ लेके नहीं, उनसे भी आगे निकलना है, समझ रहे हैं। कॉम्पिटिटिव जो एक अप्रोच है, जो एक माइंडसेट होता है, वो आपको सफलता दिलाता है। आप थोड़ा सा आगे बढ़ें, थोड़ा सा स्वार्थी बन जाइए, सेलफोन बंद कर दीजिए कुछ दिन के लिए, व्हाट्सएप वगैरह काम भर का ओपन करिए, कोई रिश्ते इससे नहीं गड़बड़ हो जाएंगे। हाँ, अगर आप कुछ दिन सेलेक्ट नहीं होंगे, कुछ गेन नहीं किए, तो रिश्ते सब बिगड़ जाएंगे। और अगर आपने व्हाट्सएप फेसबुक सब बंद कर दिया है, फोन करना बंद कर दिया किसी को, और रिजल्ट आ गया, तो सारे सब आपके करीब आ जाएंगे, सुधर जाएंगे। और आप खुद बतियाते हैं, यही कल कहेंगे कि ये कुछ नहीं कर पाया, दिन भर तो हम ही से बतियाया करता था, ये भी बता देंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं, कहाँ से इसका होता। तो थोड़ा सा
डेडिकेशन के साथ, मजे के साथ, है ना, थोड़ी सी त्याग की भावना के साथ तैयारी करिए। थैंक यू सो मच। आगे जो प्रश्न आएंगे उनके साथ मैं हाजिर हूँगा।